हम बात कर रहे हैं आज एक छोटी सी प्रॉब्लम पे। हमारे एक ऐप यूजर है मिस्टर विशाल, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। उनके पास इस तरह के डेटा है और इस तरह की एक्चुअली अमाउंट वो रिसीव कहीं से करते हैं, तो होता है क्या कि फर्स्ट टाइम जो रिसीव करता है वो एडवांस करता है, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, जो भी होगा वो इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे अमाउंट पहला फर्स्ट टाइम हुआ वो वहां उसके सामने एडवांस दिख जाना चाहिए, और सेकेंड टाइम उस पर्सन ने पे कर रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड टाइम, थर्ड परसेंट, फोर्थ परसेंट, इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। अब ये चीज हम बनाना चाहते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ऐसे डेटा तो मैं सैंपल भेजा है पर उनके पास बहुत सारा डेटा है और इस तरह से करना चाहते तो कैसे करें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला। और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि मेरा एक मोबाइल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलता है, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग करके, इसकी वीडियो ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप अच्छा से रेटिंग है, और विशाल कुमार जी नहीं, मेरे पास इन्होंने एक निगेटिव कमेंट किया हुआ है, बाकी देखिए सारे कमेंट अच्छे हैं। उन्होंने कमेंट किया था यहाँ पे, विशाल जी का ये रहा कि उन्होंने किया था कि ही हैज नेवर रिप्लाइड द क्यूरी। तो हो सकता है जब मुझसे पूछे हो सवाल मैं किसी और सवाल में उलझा हूं और कुछ और कामों में उलझा हूं। अब क्या कि सर 3000 से ऊपर ऐप डाउनलोडेड हो चुके हैं, 5000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सारे मेरे साथ कनेक्टेड है। अब सबको तुरंत जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, बट इस सवाल पे मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो उनकी नाराजगी दूर हो जाए कि मैं उनकी रिप्लाई नहीं करता। तो चलिए कैसे करेंगे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का। काउंट इफ में हम यहां इसी को सिलेक्ट करेंगे बी, यहां पे A3 से A3 एंड कॉमा इसी को सिलेक्ट। अब नीचे ड्रैग करने से पहले, नीचे ड्रैग करने से पहले हम पहले वाले को फ्रीज करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब बारी आती है कि ये जो फर्स्ट है वो एडवांस बन जाए, बाकी टू थर्ड फोर फाइव जो है अलग अलग में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि हम इसमें चूज का इस्तेमाल करें। जी हाँ, चूज फॉर्मूला, चूज चूज में इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, बोला फर्स्ट आया तो एडवांस, इस सेकेंड आए तो यहां पे फर्स्ट पेमेंट, थर्ड आए तो यहां पे सेकेंड पेमेंट, सेकेंड ऐसे यहां पे हम इन्वर्टेड कोमा में थर्ड, ये जो इसके अंदर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ होगा, फिफ्थ, सेवेंथ, सिक्स, सेवेंथ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूं, एट्थ, नाइन्थ। ऐसा लिखिए, जैसे इस जगह पर लिख के इसको लुकअप भी किया जा सकता है। ऐसा एक काम और किया जा सकता है कि इसको एक अलग सेल पे जाकर उसको वी लुकअप सम लुकअप भी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि 12 तक का मैक्सिमम है, तो 12 तक डालकर हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब इसे नीचे के पीछे हमने एडवांस कर दिया। अब विशाल जी हो सकते हैं कि फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट पेमेंट करना हो तो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट टाइप कर दे, ऐसे एक कर सकते हैं।
तो ऐसे आप भी अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मुझसे चाह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री होकर मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है कि थोड़ी लेट करूं लेकिन जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं स्पेशली मैं खुद रिप्लाई करता हूं, मेरे बाकी जो भैया वो नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी लेट हो सकती है। और किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज मेरे ऐप से परचेज कर सकते हैं। ऐप की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिख जाएगा इस वीडियो के। और विशाल जी, अगर आपको आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी तो आप प्लीज कमेंट को मॉडिफाई कर दीजिएगा। थैंक यू।